हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। मान लो ये एक सेट है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी, एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ ए से बी में, ठीक है यहां तक। अब मैंने आपको ये समझाया है कि वन वन फंक्शन का जो फोकस है वो डोमेन पे होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग लॉजिक से समझना पड़ेगा, देखना ढंग से। वन वन का मतलब कि वन अगर किसी एक से पेयर कर गया तो अब उससे कोई और पेयर नहीं करेगा, दैट इज अगर वन ने ए से पेयर कर लिया तो अब टू या थ्री या कोई भी और ए से पेयर नहीं करेगा, मतलब ए की बुकिंग हो चुकी है, अब ए को कोई और बुक नहीं करेगा, ये वन वन का मतलब होता है। तो यहां पे ये जो मेरा को डोमेन का सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, 3, 6, 9, टोटल 9 एलिमेंट्स है, और यहां पे जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो टोटल 7 एलिमेंट्स है। मुझे बताना है कि कितने वन वन फंक्शंस होंगे, तो मैं यहां पे सीधा सा लॉजिक ये लगाऊंगा कि जो पहला एलिमेंट है वन, उसके पास 9 ऑप्शंस है खुद की इमेज को डिसाइड करने के, 9 बुकिंग कर सकता है वो 9 में से किसी एक की। अगला वाला एक कम ऑप्शन लेके चलेगा क्योंकि वन किसी को बुक कर चुका होगा, सिमिलरली आप इसको डिक्रीज करते जाओ, ठीक है, कब तक, जब तक आपके 7 एलिमेंट्स नहीं हो जाते। चेक करो ये आपके 7 एलिमेंट्स हो गए, तो जो आप इसका प्रोडक्ट यहां करोगे वो होंगे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। इसके पास 9 ऑप्शंस है, फिर इसके पास 8, फिर 7, फिर 6 से लेकर लास्ट वाले के पास 3 ही ऑप्शन रह जाएंगे। तो ऐसे निकालते हैं वन वन फंक्शंस। तो पता है मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, 9p और यहां पे मेरा 7, यानी कि मैं एक तरीके से आपको एक ट्रिक बता देता हूं, यहां पे आपने क्या लिखे को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहां आपने क्या लिखे डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यानी कि 9 factorial upon 9 minus 7 करो 2 factorial। तो अब आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, पहुंचना आपको अपने आंसर पे है, ये इसकी ट्रिक है, को डोमेन, ठीक है, पी और फिर हमारी डोमेन। इस तरीके से हम नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं।